वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आप लोग देख, बेंगलुरु में हूँ मैं, संद्रा बेंगलुरु में। यहाँ पे भाई ऑनलाइन शॉपिंग का, मैं इससे पहले वीडियो में बताया था ऑनलाइन शॉपिंग, तो मैं यहाँ ज्वाइनिंग किया हूँ और आप लोगों को बताऊँगा आगे कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया हूँ और वहाँ पर कितना सैलरी है सब कुछ। तो आप लोग, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है भाई वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि पिकअप पैकिंग स्कैनिंग यहीं से वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ का सैलरी मैं बता दूँ, यहाँ पे सैलरी 8 घंटे का भाई सभी का लगभग में शायद तो मिला जुला के अमेजन में 8 घंटे का 18,000 तक हो जाता है। और जो है DHL फ्लिपकार्ट जो है उसमें जो HR नहीं देता। यहाँ पे बस दिक्कत है रूम का, तो कोई नहीं, रूम भी मैं खोज लिया हूँ। रूम का भाई यहाँ पे 10,000 एडवांस देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ नहीं, देखते हैं आगे मेरे साथ कैसा प्रॉब्लम होने वाला है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो भाई दिक्कत कुछ नहीं है, कंपनी में भी लग जाइएगा, बस रूम का दिक्कत होगा, सबसे ज़्यादा रूम का दिक्कत होगा। अभी मेरे साथ बता रहे थे कि हम PG में रह रहे हैं, PG में जो है यहाँ पे 500 रुपया पर डे के हिसाब से ले लेता है, तो बस वही दिक्कत। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो भाई देखिए यहीं हमारा रूम है, आप लोगों को बता दूं अभी मैं बेंगलुरु में हूँ, बेंगलुरु अतिवली महेशंद्रा में। और भाई यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का कुछ कंपनी है, मतलब कुछ नहीं भाई बहुत ज़्यादा कंपनी है। यहाँ पे लगभग में 10,000 प्लस वर्कर वर्क करते हैं, जो भी लगभग में यहाँ पे 50% अपना बिहार के ही मिलेंगे, लगभग में बिहार के, UP के बहुत कम, बिहार के, असम के। और पीछे देख रहे हैं पूरा फुलवाड़ी है, यहाँ पे कर्नाटक अगर आइएगा तो यहाँ पे अधिकतर फूल का खेती होता है, अधिकतर जो है जिधर देखिएगा इधर अधिकतर फूल का खेती होता है, जैसे गुलाब का, यहाँ पे जो भी पेड़ देख रहे हैं सब गुलाब का पेड़ है। और अभी मैं निकल चुका हूँ कोई कंपनी जॉब ढूंढने और आप लोगों को इन्फॉर्म करने, तो चलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को पता चले मैं आज कौन से कंपनी में गया था और वहाँ क्या हुआ। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ अलग अलग जगह से, मैं लगभग मैं सभी वीडियो में बताता हूँ। तो भाई आप अपना हमेशा लोकल में जॉब पकड़िएगा, लोकल में भाई कम ही कमाइए लेकिन लोकल में रहिए, दूर में भाई बहुत बहुत कुछ का सावधानी करना पड़ता है। मैं आगे बताऊँगा रूम से जो है अपडेट करके आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पे क्या सब घटना हुआ है और क्या सब बिहारी को झेल के रहना पड़ता है, बहुत मुश्किल से रहना पड़ता है, थोड़ा सा रुपया अर्न करने के लिए भाई बहुत कुछ सह के रहना पड़ता है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कोई अच्छा वीडियो बना, कोई नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो भाई आप लोग देख रहे हैं पीछे कंपनी का नज़ारा, अभी मैं बता दूँ ये महेशंद्रा बेंगलुरु में हूँ, महेशंद्रा बेंगलुरु में। यहाँ पे भाई ऑनलाइन शॉपिंग का, मैं इससे पहले वीडियो में बताया था ऑनलाइन शॉपिंग का, कंपनी सब बहुत सारा कंपनी सब है, तो मैं यहाँ ज्वाइनिंग किया हूँ और आप लोगों को बताऊँगा आगे कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया हूँ और वहाँ पे कितना सैलरी है सब कुछ। तो आप लोग, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है भाई वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे भी पेमेंट कितना मिलता है। तो भाई ऑनलाइन शॉपिंग जहाँ भी है, गुड़गांव में भी मुझे मिला था, तो वहाँ पे गुड़गांव भी है, उसके बाद यहाँ मानेसर में भी है, फ्लिपकार्ट अमेजोन के बारे में सुने ही होंगे, जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का रहता है वो कंपनी, वहाँ पे सभी कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग का मिलेगा। यहाँ पे आपको पीछे जो दिख रहा है सब कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग का है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसके बाद जो भी है DHL, अलीबाबा, सब जो है ना यहाँ पे ऑनलाइन कंपनी है। यहाँ पे जो है सामान आता है और पैकिंग होके जो ऑर्डर करता है वहाँ पे जाता है, तो उसी में आप लोगों को काम जो है 3-4 प्रकार का होता है, पैकिंग, स्कैनिंग। वहाँ पे हम लोगों को इंटरव्यू में पूछा कि ये वर्क करना पड़ेगा, पिकअप पैकिंग स्कैनिंग यहीं से वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ का सैलरी मैं बता दूँ, यहाँ पे सैलरी 8 घंटे का भाई सभी का लगभग में जो भी कंपनी है सब में 13,000 है। तो इसमें है क्या, अमेजन में अगर आप लगते हैं तो अमेजन में HR थोड़ा दे देता है, ज़्यादा HR दे देता है, बस थोड़ा दे देता है, तो मिला जुला के अमेजन में 8 घंटे का 18,000 तक हो जाता है। और जो है DHL फ्लिपकार्ट जो है उसमें जो है HR नहीं देता है, तो HR नहीं देने के कारण तो उसमें जो है लगभग में आपका सैलरी 15,000 तक बनेगा। OT भाई सभी कंपनी में, ये सब ऑनलाइन जो भी कंपनी है सभी में 1-1 घंटा का OT लगता है, तो 1 घंटा OT करा के लगभग में जो भी कंपनी में लगेगा 16,000 तक आपका सैलरी बन जाएगा। अमेजोन में सिर्फ 18 प्लस बन सकता है और सब कंपनी में 16 प्लस बन जाएगा। तो मैं भी भाई अभी जो है कंपनी ज्वाइन किया हूँ, देखता हूँ सैलरी जब आता है तो आप लोगों को बताएंगे कि सैलरी मेरा कितना आया है। तो वहाँ से मैं सीनियर से पता किया तो बोला भैया इसमें भी 17-18 हज़ार तक आ जाता है 9 घंटे का,
17-18 हज़ार तक आ जाता है। मैं देखता हूँ, मेरे कंपनी में कैंटीन भी उपलब्ध है, बस भी है, तो भाई यहाँ पे बस दिक्कत है रूम का। तो कोई नहीं, रूम भी मैं खोज लिया हूँ। रूम का भाई यहाँ पे 10,000 एडवांस देना पड़ेगा, उसके बाद जो आप किराया देते रहिए, लास्ट टाइम आपको बोल देगा रूम वाला, दे देंगे। देने में भाई झेल तो होता ही होगा। तो ये सब कुछ नहीं, देखते हैं आगे मेरे साथ क्या सब प्रॉब्लम होने वाला है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो भाई दिक्कत कुछ नहीं है, कंपनी में भी लग जाइएगा, बस रूम का दिक्कत होगा, सबसे ज़्यादा रूम का दिक्कत होगा। अभी मेरे साथ कुछ भाई केरला के मिले थे, उन्होंने बता रहे थे कि हम पीजी में रह रहे हैं, पीजी में जो है यहाँ पे 500 रुपया पर डे के हिसाब से ले लेता है, तो बस वहीं दिक्कत होने वाला है भाई, पीजी में रहिएगा। सॉरी दोस्त, साइड से जो है आप देखें गाड़ी निकलने के कारण आवाज़ थोड़ा कट गया था। तो यही मैं बता रहा था, केरला का कुछ लड़का बोल रहा था, बहू भैया बहुत दिक्कत होता है, मतलब इंग्लिश में वो जो है बोल रहा था, और किसी तरह से हम लोग मतलब आपस में बात किए, तो उन्होंने बताया कि भाई रूम कहीं दिला दीजिए। तो भाई मैं उनको क्या रूम दिलाता, मेरा खुद का रूम अभी नहीं परमानेंट नहीं हुआ है, मैं रूम का बात किया हूँ, अभी मैं रूम पर जाता हूँ, तो फिर रूम अगर देखता हूँ सेटअप कराता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है। 1200 में रूम मिला है, 1200 सिंगल पे, उसमें जो है चार बंदा भागलपुर का जो है अपने बिहार का रह रहा है, उसी में जो है रूम ओनर बोला कि तुम लोग जाओ उसमें सेटल हो जाओ, सब एडवांस दिया हुआ है, एडवांस नहीं लगेगा। तो मैं दो लड़का हूँ और जाता हूँ वहाँ, देखता हूँ सेटल होता हूँ, तो उसके बाद आप लोगों को रूम का ब्लॉग दिखाएंगे कैसा रूम है। और भाई रूम तो खास वही नोएडा दिल्ली में जो मिलता है वहीं है, लेकिन नोएडा दिल्ली में आपको 2000 में मिलेगा, 4000 में रूम मिलेगा, यहाँ पे भाई वही रूम आपको 10,000 में मिलेगा, बस फर्क इतना ही है भाई। तो चलिए मिलता हूँ मैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।